महानगर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर बुधवार की दोपहर महाराष्ट्र एक्सप्रेस से रेलवे सुरक्षा बल ने ब्राउन शुगर बरामद की है। जब्ती के बाद माल जीआरपी के सुपुर्द किया गया। स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर दोपहर 3:30 बजे महाराष्ट्र एक्सप्रेस से गश्त के दौरान गाड़ी के कोच DH1 में आरपीएफ जवानों को एक काले रंग का बैग लावारिस पड़ा दिखाई दिया। बैग की तलाशी लेने से पहले जवानों ने आसपास यात्रियों से पूछताछ करने पर किसी ने इस बैग पर अपना हक नहीं जताया। इसके बाद ये बैग आरपीएफ थाने लाया गया। इसे खोलकर देखने पर इसमें ब्राउन कलर का पाउडर दिखाई दिया। इसके बाद NDPS सेल को ये भेजा गया। यहाँ जांच में पाया गया कि ये ब्राउन शुगर है। इस पर तहसीलदार और दो पंचों के समक्ष पंचनामा करते हुए इस ब्राउन शुगर को अगली कार्रवाई के लिए लोमार्क पुलिस के सुपुर्द किया गया। यह कार्रवाई मध्य रेल नागपुर मंडल के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे के मार्गदर्शन में निरीक्षक HL मीना, सहायक उप निरीक्षक सीताराम चाट, RPF जवान नवीन कुमार सिंह व अजय सिंह ने की। दिनांक 1/6/2021 को समय लगभग 15:30 बजे गाड़ी संख्या 01039 महाराष्ट्र एक्सप्रेस नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने के बाद ड्यूटी स्टाफ आरक्षक नवीन सिंह, आरक्षक अजय सिंह द्वारा गाड़ी चेक की जा रही थी, जिसमें गाड़ी के पीछे के जनरल कोच में एक लावारिस बैग मिला, जिसके बाबत कोच में यात्रियों से पूछताछ किया गया, लेकिन किसी ने भी मालिकाना हक नहीं जताया, इसलिए बैग के बारे में थाने में सहायक उप निरीक्षक सीताराम जाट को सूचना दी गई। सहायक उप निरीक्षक सीताराम जाट के आदेशानुसार बैग को प्लेटफॉर्म पर नीचे उतारा गया तथा जाट द्वारा बैग को चेक करने पर बैग के अंदर एक प्लास्टिक थैली के अंदर कुछ सफ़ेद पुड़िया थी, जिसकी सूचना मुझ थाना प्रभारी को देने के बाद मैंने बैग को जाकर देखने पर उक्त पुड़ियों में नशीला पदार्थ जैसा प्रतीत हुआ, जिसकी सूचना मैंने वरिष्ठ अधिकारियों एवं NDPS डिपार्टमेंट नारकोटिक्स डिपार्टमेंट GRP LCB संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई और उनके कहने पर व्हाट्सएप के माध्यम से उनको फोटो भेजकर पुष्टि की गई, जिसमें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट द्वारा इसको ब्राउन शुगर गर्द होना बताया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।